हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट इन अ ऑर्थोगोनल बेसिस। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑर्थोगोनल बेसिस क्या होता है, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस क्या होता है, ये सब कुछ पढ़ा था। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑर्थोनॉर्मल बेसिस। तो ये ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के कोऑर्डिनेट किस तरह से निकाले जा सकते हैं, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बेसिकली कि आप बेसिस बी बराबर वी वन वी टू डॉट डॉट वी एन ऑफ आर एन, दैट इज ऑल्सो एन ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ हाईली डिस्क्राइब्ड व्हेन परफॉर्मिंग कंप्यूटेशनल विद कोऑर्डिनेट्स टू सी बाई, लेट एक्स बी अ कोऑर्डिनेट एनी वेक्टर इन आर एन, एंड सपोज वी वांट टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स इन द बेसिस बी, दैट इज वी सीक टू फाइंड एक्स बी यानी सी वन सी टू डॉट डॉट सी एन। कौन कौन से सी वन, जिसके लिए हम एक्स को इनके सी वन यू वन सी टू यू टू डॉट डॉट सी एन यू एन के मल्टीप्लीकेशन के रूप में लिख सकते हैं, या लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं, यू वन यू टू डॉट डॉट यू एन के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं। तो अगर ये निकालने के लिए हम देखें, बेसिकली अगर हम यू वन डॉट एक्स निकाल लें, यू वन डॉट एक्स करें, तो चूंकि ये हमारे पास ऑर्थो नॉर्मल है, ऑर्थो नॉर्मल ऑर्थोगोनल दोनों केस में ही, अब ऑर्थो नॉर्मल है तो हमारे पास यू आई डॉट यू जे इक्वल टू जीरो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, ये हमारे पास कंडीशन होती है जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस की थी। तो यहाँ पे हमारे पास सारी टर्म जो है, जैसे यू यू टू डॉट यू वन डॉट यू टू डॉट डॉट, इस तरह से यू वन डॉट यू एन जो है जीरो हो जाएंगी, सिर्फ बचेगा क्या, सी वन डॉट यू वन और यू वन, तो ये हो गया। अब चूंकि ये हमारे पास, अब यहाँ पे हमारे पास अगर ऑर्थोगोनल ऑर्थोगोनल होता तो ये हमारे पास एक्स वन यहाँ से ये हो जाता, यू वन डॉट एक्स बराबर सी वन यू वन डॉट यू वन, ये आ जाता हमारे पास। बट अब हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल, तो ऑर्थोनॉर्मल की कंडीशन में यू यू वन यानी बेसिकली ऑर्थोनॉर्मल क्या होता है, जिसकी नॉर्म जो है वन हो, और यू वन डॉट यू वन जो है नॉर्म नॉर्म के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास वन है, तो सी वन डॉट वन, तो सी वन बराबर आ गया यहाँ से हमारे पास यू वन एक्स। इसी तरह से जब सी टू की बात करेंगे तो यू टू का मल्टीप्लाई करेंगे और सी टू बराबर आ जाएगा यू टू एक्स, तो इस तरह से सी एन बराबर आ जाएगा यू एन एक्स। तो बेसिकली ये हमारे पास ऑर्थो नॉर्मल बेसिस के कोऑर्डिनेट होंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे इसकी जनरल डेफिनेशन है, फिर हमारे पास यहाँ से पढ़ सकते हैं हम, लेट बी बराबर यू वन यू टू डॉट डॉट यू एन बी एन ऑर्थो नॉर्मल बेसिस फॉर आर एन, द कोऑर्डिनेट वेक्टर ऑफ एक्स इन द बेसिस, जो कोऑर्डिनेट वेक्टर जो होंगे यू वन एक्स डॉट यू वन एक्स यू टू एक्स डॉट डॉट यू एन एक्स, इस तरह से कोऑर्डिनेट वेक्टर्स होंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, कंसिडर द वेक्टर, ये हमारे पास वेक्टर है वी वन वी टू वी थ्री एंड एक्स बराबर ये है। पहले शो करना है कि हमारे पास वी वन वी टू वी थ्री जो है वो ऑर्थोगोनल बेसिस है, तो ऑर्थोगोनल बेसिस जैसे प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, उसके लिए हमारे पास क्या आना चाहिए, वी आई डॉट वी जे इक्वल टू जीरो आना चाहिए फॉर आई नॉट इक्वल टू जे, तो ये हम चेक कर सकते हैं इजीली, कोई भी चेक कर सकता है, तो चेक करना है। उसके बाद हमें चेक सेकेंड है हमारे पास, देन इफ नेसेसरी नॉर्मलाइज द बेसिस वेक्टर ऑफ बी, वी हैव टू ऑब्टेन ऑर्थो नॉर्मल बेसिक बी यू वन यू टू यू थ्री फोर आर क्यू, तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्थोगोनल वेक्टर ये निकालना है हमें, ऑर्थोगोनल बेसिस। तो ऑर्थोगोनल बेसिस किस तरह से निकालेंगे हम, तो पहले इन्होंने नेसेसरी क्यों पूछा है कि ये हमारे पास यूनिट वेक्टर है नहीं, तो ये यूनिट वेक्टर नहीं है क्लियरली, क्योंकि अगर हम देखेंगे नॉर्म ऑफ यू वन नॉर्म ऑफ वी वन भी देखेंगे तो नॉर्म ऑफ वी वन क्या आएगा, वन का स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर का रूट, तो ये आ जाएगा रूट टू, रूट टू आ गया। तो ये हमारे पास नॉट इक्वल टू वन है, तो ये हमारे पास ऑर्थो नॉर्मल नहीं है, तो ऑर्थो नॉर्मल निकालने के लिए यू वन का अगर हम ऑर्थो नॉर्मल निकाले तो यू वन का ऑर्थो नॉर्मल हो जाएगा हमारे पास मोड ऑफ यू वन, सॉरी वी वन का निकाल रहे हैं मोड ऑफ वी वन और यहाँ पे यू, ये हमारे पास है अगर हम इसको u1 से इंडिकेट कर रहे हैं, तो ये हो गया हमारे पास u1 बराबर
वन ऑफ रूट मोड ऑफ रूट टू, क्योंकि मोड ऑफ यू जो है रूट टू और यू जो है वो है हमारे पास 101, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 1/√2 0 एंड 1/√2। इसी तरह से हम वी टू के लिए एंड वी टू के लिए यू टू निकाल लेंगे और वी थ्री के लिए यू थ्री निकाल लेंगे। अब देन बीटा बराबर u1 u2 u3 आर नाउ एन ऑर्थोगोनल सेट। ऑर्थोनॉर्मल सेट है ये दस, सिंस क्योंकि ऑर्थोनॉर्मल हमने चेक नहीं किया, क्यों नहीं किए, क्योंकि ये हमारे पास ऑर्थोगोनल थे, वी वन वी टू जो थे ऑर्थोगोनल थे, तो यू वन यू टू यू थ्री जो है वो ऑर्थोनॉर्मल होंगे क्योंकि ये यूनिट है और ऑर्थोगोनल है। सिंस बी कंसिस्ट द थ्री वेक्टर्स देन बी इज ऑर्थोनॉर्मल बेसिस ऑफ आर क्यू। अब सेकंड है हमारे पास, उसके बाद ये तो हो गया हमारे पास, थर्ड है हमारे पास, सॉरी थर्ड, फॉर द गिवन एक्स फाइंड एक्स बी, तो इसके लिए हमारे पास गिवन एक्स यानी इस एक्स के लिए, इस एक्स के लिए हमें एक्स बी निकालना है। तो एक्स बी निकालने के लिए हम किस तरह से निकाल सकते हैं, u1.x, तो u1 यानी कि ये जो हमारे पास आया है। अब u1x फ्रेंड्स इन दोनों का इनर प्रोडक्ट करना है हमें बेसिकली, तो इनर प्रोडक्ट के लिए हम क्या करेंगे, u1.x इनर प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ये u1 हो जाएगा हमारे पास वन का मल्टीप्लाई इस वन से, तो 1, 0 का मल्टीप्लाई इस 2 से, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 + 0, 1 का मल्टीप्लाई -1 से, तो ये -1, तो ये आ गया 0। इसी तरह से हम जब सेकंड के लिए निकालेंगे तो वो आएगा u2x, यानी -1 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो -1, 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8 प्लस, और ये हो जाएगा 1 का मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो -2, तो ये हो गया हमारे पास 5, तो ये हमारे पास 5 आ गया। सॉरी u1 ये यहाँ से नहीं करना, सॉरी हमें u1 u2 से निकालना, तो इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, तो जैसे u1x के लिए इसका मल्टीप्लाई करना है ना कि v का, क्योंकि तो हमें हम जो कर रहे हैं u1 के करस्पॉन्डिंग कर रहे हैं। इस तरह से u2 के लिए करेंगे तो इनका मल्टीप्लाई करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे प्लस इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, और इस तरह से हमारे पास एक वेक्टर आ जाएगा जो कि ये हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारे पास कोऑर्डिनेट वेक्टर्स हैं हमारे पास, तो इस तरह से कोऑर्डिनेट वेक्टर हम निकाल सकते हैं। अब फिर यहाँ पे हमारे पास एक डेफिनेशन आती है, ऑर्थोगोनल कंप्लेंट कॉम्प्लीमेंट्स, लेकिन लेट डब्ल्यू बी अ सब स्पेस ऑफ आर एन, लेट डब्ल्यू जो है सब स्पेस है आर एन, द ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू विच द डिनोट बाई डब्ल्यू टी, डब्ल्यू और उल्टा टी। अब बेसिकली इसे डिनोट किया जाता है जिसको कॉम्प्लीमेंट ऑफ डब्ल्यू बोलते हैं, कंसिस्ट द वेक्टर ऑफ आर एन दैट आर ऑर्थोगोनल टू ईच वेक्टर इन डब्ल्यू, तो विच बेसिकली डब्ल्यू जो ऑर्थोगोनल है वो हमारे पास उन सेट्स का जो है कंपोनेंट्स है जो कि हमारे पास डब्ल्यू के ऑर्थोगोनल्स होंगे बी में से, तो ऑर्थोगोनल ऑफ डब्ल्यू जो है यू बिलोंग्स टू आर एन, जो यू जो है वो बिलोंग्स टू आर एन होंगे सच दैट यू डॉट वी यू डॉट डब्ल्यू इक्वल टू 0 फॉर एवरी डब्ल्यू बिलोंग्स टू डब्ल्यू, यानी कि सपोज इसको एक्सप्लेन करें हम, तो एक सेट है ए दूसरा सेट है बी, सॉरी हम यू और डब्ल्यू डब्ल्यू इसी में ले लेते हैं, एक है हमारे पास आर एन और ये डब्ल्यू, डब्ल्यू जो है सब स्पेस है बेसिकली, इसमें से अगर कोई हम एक सेट लें जिसको हम कह रहे हैं कि यू लिया और उसको इसके हर मल्टी हर सेट हर वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, इनर प्रोडक्ट कराया, तो इनर प्रोडक्ट अगर 0 आ रहा है हर टर्म से 0 आ रहा है, तो उस कंडीशन हम कहेंगे कि यू जो है वो कॉम्प्लीमेंट कंपोनेंट है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये एक नीचे सॉल्व एग्जाम्पल है जो कि प्रीवियसली जो हमने एग्जाम्पल सॉल्व किए थे उसी तरह से सिंपली थ्योरेटिकल बेस्ड एग्जाम्पल है जिसको आप समझ सकते हो। इसको आप यहाँ से देख सकते हो, कॉपी कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।